मेरे वीडियो में स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू के भरमल वाले पराठे। भरमल की सब्जी के लिए उसकी सामग्री ये है, आलू उबले हुए, हरी प्याज जो मैंने काट के रखी हुई है, अदरक मिर्ची धनिया लहसुन की चटनी, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है, कटी हुई हरी प्याज, छिले हुए मटर। इसकी सबसे पहले अपन भरमल की सब्जी बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम कटी हुई हरी प्याज डालेंगे। हम इसमें मटर डालेंगे, इसको भी अच्छे से चलाएंगे, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, इसमें मटर अपने अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं हमारे मटर और प्याज हो चुके हैं। अब इसमें हम पेस्ट डालेंगे जो कि अपन ने बना के रखा है, और इसको जब तक चलाएंगे जब तक ये पेस्ट सूख ना जाए। देख सकते हैं इसका ग्रीन कलर कितना अच्छा आ गया। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, हल्दी, चिंकिंग, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, इसको अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे, आलू को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, इसमें नमक मिलाएंगे, नमक अपने स्वाद अनुसार मिलाएंगे अपन। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी का कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें जो हरी प्याज कटी रखी है वो और मिलाएंगे अपन, और फिर निकाल लेंगे। सब्जी को निकाल लेंगे। देख सकते हैं हमारी सब्जी भरमल वाली तैयार हो चुकी है। अब हम आटा गूंदने जा रहे हैं। आटा की सामग्री ये है, आटा, एक कटोरी मैदा, अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर दो बड़े चम्मच, तेल। अब हम इसको मिलाकर गूंथते हैं। मैदा अपन ने इसलिए डाला है, इसलिए क्योंकि इससे लचीलापन आ जाता है, और जो अपनी भरमल के पराठे हैं उससे भरमल बाहर नहीं निकलता है। आप देख सकते हैं हमारा आटा गूंथ चुका है। अब चलिए पराठा बनाना तैयार करते हैं। इस तरीके से भर के और अपन बेलना चालू करेंगे। हमने अपना पराठा बेल के तवे में डाल दिया है। अब इसको आप चाहे तो बटर से, घी से, तेल से, किसी भी चीज से सेक सकते हैं। मैं तेल से सेक रही हूँ। देख सकते हैं हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल देते हैं, कितना अच्छा आया है। इसी तरीके से हमें अपने सारे पराठे सेकना है।